हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि लाइट क्या होता, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन के कॉन्सेप्ट को समझा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसके बाद हमने समतल दर्पण के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है यानी परावर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है ये हमने समझा था, और जो आपका समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज या उसके गुण क्या होते हैं ये हमने समझे थे। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आज हम इसका आगे का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। इसमें हम स्फेरिकल मिरर के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाया जाता है ये डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। अगर हम बात करें पिछले लेक्चर की, तो हमने पिछले लेक्चर में जो दर्पण पढ़ा था वो आपका समतल दर्पण था यानी प्लेन मिरर था। अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की यानी गोलीय दर्पण की। तो अगर हम स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा दर्पण होता है जो एक बड़े गोले का भाग होता है, यानी एक बड़ा जो मिरर है या दर्पण का गोला है उसका जो भाग है उन्हें हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। बेसिकली हमारे पास दो प्रकार के या टू टाइप्स के स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण होते हैं। एक आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है यानी उत्तल दर्पण, और दूसरा आपका कॉनकेव यानी अवतल दर्पण होता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, एक बड़ा सा स्फेयर होता है, ठीक है, एक बड़ा सा गोला होता है या स्फेयर होता है मिरर का, उसका ये क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। Spherical mirror are mirrors having curved surfaces that are painted on one side. यानि अगर हम बात करें spherical mirror की, गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण कैसे होते हैं, इनकी जो सरफेस होती है वो घुमावदार होती है या कर्व होती है, और उस सरफेस में पेंट होता है यानी उस सरफेस के एक साइड में पेंट होता है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होता है, एक बड़ा सा स्फेयर होता है जैसे कि मैं आपको बता रही थी, उस पे उसका एक छोटा सा जो हिस्सा होता है वो आपका गोलीय दर्पण होता है, और इस दर्पण के एक साइड में जो है पेंट किया जाता है। स्फेरिकल मिरर इन विच इनवर्ड सरफेस आर पेंटेड आर नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। यानी वो गोलीय दर्पण, वो स्फेरिकल मिरर जिनका अंदर की तरफ या भीतरी सतह पर पेंट किया जाता है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि जो आपका गोलीय दर्पण है वो एक स्फेयर यानी गोले का भाग होता है, तो सपोज ये आपका स्फेयर है जैसे कि मैंने अभी बनाया, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, एक स्फेयर है या गोला है, ठीक है। अब इसका वो भाग, इसका वो भाग, जैसे कि ये हमने कट किया तो ये वाला जो भाग है इनमें से एक भाग, जिस भाग में हम अंदर की सतह को पेंट करते हैं यानी इस साइड से अगर हम पेंट कर दें, इस साइड से हम सिल्वर के कलर का पेंट कर दें, यहाँ पे क्या कर दें, सिल्वर के जो कलर है उसका पेंट कर दें, तो क्या होता है, ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। जब हम अंदर के भाग को यानी स्फेरिकल मिरर जो एक गोला होता है, ठीक है, जिसके अगर हम अंदर के भाग को पेंट कर दें तो वो क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण बन जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने पेंट अंदर की सतह की है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पेंट कहाँ पे किया है, अंदर की सतह में, यानी इस केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या परावर्तित सतह है यानी वह सतह जहां से परावर्तन होगा वो कौन सी है, ये वाली,
यानी जिस जगह हमने पेंट नहीं किया, ये जो सतह है, ये वाली जो सतह है, ये क्या हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तित सतह। और इसके ऑपोजिट वाली या इसके जो दूसरी साइड वाली सतह है वो कौन सी है जिस पे हमने पेंट किया, यानी कितना भी रिफ्लेक्शन या परावर्तन होगा इस केस में वो इस तरफ से हो। व्हाइल द स्फेरिकल मिरर इन विच आउटवर्ड सरफेस आर पेंटेड आर कंसीडर्ड कॉनकेव मिरर, और वही अगर हम बाहर की सतह पर पेंट करें, बाहर की सतह पर पेंट करें यानी आपके पास कैसी सतह है, इस तरीके की सतह है, ठीक है, ये सतह है आपके पास, अगर हम इसके बाहर ये सतह को पेंट कर दें यानी यहाँ पे अगर हम इसे पेंट कर दें तो इस तरीके का जो मिरर होता है, इस तरीके का कर्व मिरर या घुमावदार दर्पण जो होता है वो कैसा बन जाता है आपका, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। ये क्या हो गया आपका, कॉनकेव मिरर, जिसे आप क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण क्या होता है, वह एक गोले का वह भाग है जिस पे जो है हम बाहरी सतह पर, जिसकी बाहरी सतह पर हम पेंट कर देते हैं, ठीक है, और कैसा करते हैं, सिल्वर पेंट कर देते हैं, और जिसकी जो अंदरूनी सतह है या जो आंतरिक सतह है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है, यानी कि ये जो सतह है ये क्या बन गई आपकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तित सतह, यानी जहां से आपका क्या होगा, परावर्तन होगा, इस सतह से आपका परावर्तन होगा, कहां से होगा, यहां से। और पेंट कहाँ पे किया है, इसकी विपरीत दिशा में, यानी इसकी दूसरी साइड को, या हम ये कह सकते हैं जो आपका स्फेरिकल मिरर है, जो आपका गोलीय दर्पण है, उसकी बाह्य सतह पर हमने पेंट किया। गोलीय दर्पण घुमावदार सतहों वाले दर्पण होते हैं जिन्हें एक तरफ पेंट किया जाता है। गोलाकार दर्पण, सॉरी गोलीय दर्पण जिसमें भीतरी सतह को पेंट किया जाता है उत्तल दर्पण के रूप से जाना जाता है, जबकि गोलीय दर्पण जिसमें बाहरी सतह को पेंट किया जाता है अवतल दर्पण कहलाता है। यानी वह गोलीय दर्पण जिसकी अंदर की सतह पर हम पेंट करते हैं, जिसकी अंदर की सतह पर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण कहलाता है। वही वह गोलीय दर्पण जिसका बाह्य सतह या आउटर सरफेस हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, वो आपका कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण कहलाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, यानी यह है कॉनकेव मिरर है आपका अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर है आपका उत्तल दर्पण। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ये सरफेस है ये पूरा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा है आपका केव टाइप का बना है, इस तरीके से सी बना है, सी में जहां अंदर से आपका रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे क्या है, ये परावर्तित सतह है। वही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सतह है वो क्या है आपकी, रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या परावर्तन की सतह है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाहर सी के जो बाहरी सतह है वहां पे क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो दर्पण जो है, हमने यहाँ पे इस इन दर्पण के जो अलग अलग आपके पैरामीटर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है आपके पास कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अवतल दर्पण की। तो बेसिकली अगर हम अवतल दर्पण के बारे में कहें
हम ये जानते हैं कि जो आपका अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर होता है वो एक बड़े स्फेयर का या गोले का या स्फेरिकल मिरर जो होता है उसका पार्ट होता है। क्या होता है? एक बड़े गोले का भाग होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे एक जो है कॉनकेव मिरर यहाँ पे शो किया गया है, दिखाया गया है। अब अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, तो इसका एक मिड पॉइंट होता है यहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एफ। बेसिकली यह वह पॉइंट है जहाँ पे अगर हम कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण पे जो है लाइट की रेज डालें, ठीक है, यानी प्रकाश की किरणें डालें, जैसे कि कुछ किरणें आपकी बहुत दूर से आ रही हैं, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं, तो वो कैसी आती है? पैरेलल आती है, समानांतर आती है। और जब वो अवतल दर्पण से टकराती है उसके बाद वो एक पॉइंट से पास होती है जिसे हम फोकस कहते हैं और इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये पॉइंट एफ दिखाई दे रहा है ये क्या है? फोकस है। ये वहां पॉइंट है जहां से अगर इस दर्पण पे जो है पैरेलल रेज या समानांतर किरणें इस पे पड़ेंगी तो वो फोकस से जाके रिफ्लेक्शन के बाद या परावर्तन के बाद फोकस से गुजरे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सी दिख रहा है, वक्रता त्रिज्या, या जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो बेसिकली ये सी पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये क्या होता है? बेसिकली ये वह बिंदु है जो कि सेंटर होता है किसका? उस गोले का, जिस गोले का जो आपका ये अवतल दर्पण है वो भाग, यानी जिस गोले का ये भाग होता है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहलाता है। बेसिकली जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की यहाँ बात कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर में ये आपके दर्पण के आगे होता है, फोकस ये आपके दर्पण के आगे होता है। अब एक लाइन है, एक रेखा है, लाइन है जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, जो आपका फोकस है, और आपका जो पोल है वहां से गुजरती है, जिसे हम मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब अगर हम बात करें पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र जो है इसके बीच की जो दूरी होती है इसे हम वक्रता त्रिज्या या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकस से पोल तक की जो दूरी होती है इस दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं या फोकल दूरी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की यानी उत्तल दर्पण की, तो आप ये जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है वो भी एक बड़े गोले का भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। अगर हम इस दर्पण की बात करें तो इसका जो मिड पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। वह पॉइंट जहां पे अगर इस कॉन्वेक्स मिरर पे अगर हम पैरेलल रेज डाल रहे हैं यानी समानांतर किरणें डाल रहे हैं और वो इससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो आप ये जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे जब जो जब उस पे समानांतर किरणें पड़ती हैं और वो परावर्तित हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? बिखर जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण के अंदर किसी पॉइंट से हमें निकलती हुई प्रतीत होती। तो वह पॉइंट जहां से हमें रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जो किरणें हैं वो निकलती हुई या आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब अगर हम बात करें सी की, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, तो बेसिकली अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो यह वह बिंदु है जो कि बड़े गोले का भाग होता है, जो जिसका भाग आपका उत्तल
दर्पण यानी उत्तल दर्पण जिस बड़े गोले का भाग है उसका जो सेंटर होता है, उसका जो केंद्र होता है, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहते हैं। अब अगर हम बात करें पोल और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक लाइन की, एक इमेजिनरी लाइन जो कि पोल, फोकस और आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। और अगर हम बात करें पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकल लेंथ या फोकस फोकल दूरी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस मिरर या दर्पण के डायमीटर की, चाहे आप कॉनकेव मिरर की बात करें या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, यानी अगर हम इस पॉइंट को एम माने और इस पॉइंट को एम डैश माने, इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट को एम माने और इस पॉइंट को एम डैश माने, तो ये जो इसके बीच की जो दूरी है एम और एम डैश की, इसे हम अपर्चर कहते हैं, जो कि आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है यानी वह सतह जहां से परावर्तन होता है। तो एम और एम डैश क्या है? आपके अपर्चर है जिसे हम द्वारक कहते हैं। अब हम इन पॉइंट्स की जो डेफिनेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं कि आप किसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे। पहला है पोल यानी ध्रुव। द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ मिरर। दर्पण के गोलाकार या गोलीय सतह के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यानी अगर हम पोल या ध्रुव की बात करें तो ध्रुव क्या होता है? बेसिकली वह बिंदु है जो कि दर्पण का यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वह सतह जहां से परावर्तन होगा, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर या ज्यामिति केंद्र जो होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य फोकस मुख्य अक्ष की बात करें, किसकी बात करें? मुख्य अक्ष की बात करें या प्रधान अक्ष की बात करें, तो बेसिकली वो क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू द सेंटर ऑफ करेज। यानी यह दर्पण के ध्रुव को उसके वक्रता केंद्र से मिलाने वाली सीधी रेखा होती है। यानी ये क्या होती है? ये एक सीधी रेखा है जो कि पोल को यानी जो आपका ध्रुव होता है उसे वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन मिलाती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। यानी अगर हम वक्रता केंद्र की बात करें तो दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण एक भाग होता है। यानी दर्पण जिस गोले का, जिस स्फीयर का भाग होता है उसके सेंटर को हम वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की यानी अवतल दर्पण। तो हम ये जानते हैं कि हम एक बड़े खोखला जो आपका गोला होता है उसे हम बहुत सारे भागों में काट सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो आपके दर्पण का जो है इनर जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाता है और बाहरी जो भाग है उसे हम पेंट करते हैं। क्या करते हैं? अंदर का जो भाग है वो रिफ्लेक्ट करता है और बाहर का जो है यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसे पेंट कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इफ अ हॉलो स्फीयर इज कट इन टू पार्ट एंड द आउटर सर्फेस ऑफ अ कट पार्ट इज पेंटेड।
तो हम क्या करते हैं इसमें आउटर सरफेस को करते हैं। इनर सरफेस किस में पेंट करते हैं आपका कॉन्वेक्स मिरर में, आउटर सरफेस किस में करते हैं यानी बाह्य सतह किस में रंग देते हैं आपका जो कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण हो। देन इट बिकम्स अ मिरर विच विद इट्स इनर सरफेस एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। यदि एक खोखले गोले को भागों में काट दिया जाता है और कटे हुए भाग के बाहरी सतह को रंग दिया जाता है तो यह दर्पण बन जाता है। इसकी आंतरिक सतह परावर्तक सतह के रूप में होती है। इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है यानी वह दर्पण वह अवतल दर्पण कहलाता है जो आपका एक बड़े गोले का भाग है, एक बड़े खोखले गोले का भाग है और जिसकी बाह्य सतह को हम पेंट कर देते हैं और जिसकी आंतरिक सतह एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक सतह के रूप में कार्य करती है, तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहते हैं। यानी कॉनकेव मिरर में क्या होता है, बाह्य सतह को पेंट किया जाता है और जो अंदर की सतह है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक सतह होती है, जैसे कि आप यहाँ पे जो है डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण की विशेषताओं की। लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट व्हेन इट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स बैक from reflecting surface of a concave mirror, hence it is known as converging mirror. यानि अगर हम बात करें concave mirror या अवतल दर्पण की तो इसमें क्या होता है, basically आपका अवतल दर्पण कुछ इस तरीके का होता है। बाह्य सतह आपने क्या की पेंट करी और जो अंदर की सतह है वो कैसी है, रिफ्लेक्टिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें पड़ रही है। अगर इस पे प्रकाश की किरणें पड़ती है और वो समानांतर होती है, पैरेलल होती हैं, और किसके पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी की सारी जो किरणें हैं वो एक बिंदु पे जाके मिलती हैं और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और क्योंकि ये सारी की सारी किरणें वास्तविक रूप में या रियलिटी में क्या होता है, एक बिंदु में जाके मिलती है, इसलिए हम इसे अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। यानी बेसिकली अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो इस पे जब लाइट पड़ती है, पैरेलल या समानांतर किरणें इस पे पड़ती हैं, तो वो एक बिंदु में जाके जो है क्रॉस होती है, एक बिंदु से क्रॉस होती है, जिसे हम फोकस कहते हैं। और यही कारण है कि हम इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी दर्पण कहते हैं। प्रकाश एक बिंदु पर अभिसरित होती है जब यह टकराता है और अवतल दर्पण की परावर्तक सतह से वापस परावर्तित होता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। When the concave mirror is placed very close to the object, a magnified, erect and virtual image is obtained. यानी जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम वस्तु को या दर्पण को वस्तु के बहुत ही पास पे रखते हैं तो हमेशा जो हमें इमेज मिलती है, हमेशा जो हमें प्रतिबिंब मिलता है वो कैसा होता है, वो आपका बड़ा होता है। ठीक है, कैसा होता है, बड़ा होता है यानी मैग्निफाइड होता है, वस्तु की आकार से बड़ा होता है, सीधा होता है, इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है। वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी हमें प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है, हमें वह मिरर के पीछे जो है वो बनता है। ठीक है, यानी व्हेन द कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, यानी जब भी आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं या कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के करीब रखते हैं, बहुत पास रखते हैं, निकट रखते हैं, तो हमें कैसी इमेज मिलती है, कैसा प्रतिबिंब मिलता है, आवर्धित, सीधा और अभिसार। जब अवतल दर्पण को वस्तु के बहुत निकट रखा जाता है तो आवर्धित, सीधा तथा अभिसारी
प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हम वस्तु को दर्पण से दूर लेके जाते हैं तो हमें कैसा इमेज मिलती है, कैसा प्रतिबिंब मिलता है? इसका जो साइज होता है दूरी के साथ बढ़ता रहता है, साइज यानी आकार क्या होता है, बड़ा होता रहता है। जो आकार होता है जो आपको मिलता है वो आपको कैसा मिलता है? इसका पहले तो ये रियल इमेज बनाता है यानी वास्तविक बनाता है, दूसरा इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हाउएवर इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर द साइज ऑफ द इमेज रिड्यूसेस। यानी अगर हम क्या करते हैं, जो वस्तु है और जो दर्पण है इसके बीच की दूरी को अगर हम बढ़ाते रहते हैं तो क्या होता है, साइज छोटा होता रहता है, और जितना आप इसके पास लेके जाते हैं तो साइज क्या होता रहता है, बड़ा होता रहता है। ये आपको जो इमेज मिलती है, प्रतिबिंब मिलता है, वो रियल होता है यानी वास्तविक होता है, इन्वर्टेड होता है यानी उल्टा होता है। हालांकि अगर हम वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो प्रतिबिंब का आकार कम होता जाता है। और एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉल और लार्ज एंड कैन बी रियल और वर्चुअल। यानी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा या बड़ा हो सकता है, वास्तविक या आभासी भी हो सकता है। यानी जो इमेज आपका जो है कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण बनाएगा वह छोटा बड़ा भी हो सकता है और वास्तविक हो सकता है यानी कि वो हमें दर्पण पे भी प्राप्त हो सकता है, और आभासी भी हो सकता है यानी वो हमें दर्पण पे प्राप्त नहीं भी हो सकता। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी वस्तु की स्थिति क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। हाउएवर इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर देन द साइज ऑफ द इमेज रिड्यूसेस एंड अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। अगर हम क्या करते हैं, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं तो जो आपका प्रतिबिंब होता है उसका आकार कम होता जाता है और वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और इसी तरीके से अगर हम वस्तु और जो आपका जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के द्वारा, यह छोटा बड़ा और वास्तविक और अभिसारी हो सकता। तो बच्चों आज हमने गोलीय दर्पण के बारे में समझा, गोलीय दर्पण होते क्या हैं, जिसमें हमने अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के बारे में समझा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।